मेरे को कितनी मेहनत से ससुराल में नाम बनाया था, सब मिट्टी में मिल गया। कुछ नहीं होगा भाभी, आप खामखा में परेशान हो रही। मैं भी तो थी ना। तुम बेटी हो, मैं बहू, बहुत फर्क है। अब मैं कभी उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। जमीन फट क्यों नहीं जाती, मुझसे समा क्यों नहीं जाती। सोचो उनको पता चला तो सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करेंगे। कसम खुदा को, सुसर के सर पे बाल्टी भर के पानी फेंकती है। तो आपने जानबूझ के थोड़ी फेंकी। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं भैया से बात करूंगी। सब अभी मेरे बारे में बात कर रहे होंगे ना, तभी अभी तक हसन आया नहीं। लक्ष्मी बता रही थी अपाची की आंखें लाल हो गई है जोर से पानी गिरने से। जाहिर है भाभी आपने इतनी जोर से पानी फेंका था, आंख तो लाल होगी ना उनकी। हाय रब्बा मैं किधर चली जाऊं। हाय रब्बा। हसन, हसन सब मुझसे नाराज है ना। हद हो गई, ससुर पे हमला। हाय रब्बा, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो तुम पे। मुझे पता है, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था तुम दोनों के साथ। और करो शरारत। उन्होंने मुझे मैके भिजवाने का फैसला कर लिया ना। मैं जानती थी तो मैं अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकती। अच्छा बानो, रब रखा। अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, अगर आप कहीं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी है ससुराल जाने की? कोई कहीं नहीं जा रहा। से भी आप ये ससुर जान आपसे नाराज नहीं है, बल्कि फहीम, सलीम और बीबी के साथ बैठ के वाकई पे हंस रहे हैं। हाय सुरैया खाला, कैसे कैसे काम करती हो तुम। चुप करो बदमाश, ये सब इसी की वजह से हुआ है। अब क्यों रो रही हो? मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत चुकी थी और कैबिनेट मिशन की सख्त कोशिशों के बावजूद हिंदू मुसलमान में मुफाहमत का रास्ता नहीं निकल रहा था। इन हालात में बेहतरीन हल निकालने के लिए क़ायद-ए-आज़म दूसरे पार्टी लीडरों की मुखालफत के बावजूद कैबिनेट मिशन से तायद करके हिंदुस्तान ही में मुसलमानों की अलग खुद मुख्तार रियासत के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब कांग्रेस के सदर जवाहरलाल नेहरू ने यह बयान दिया कि वो जब चाहें मंसूबे में रद्दोबदल कर सकते हैं, तो क़ायद-ए-आज़म को अंदाजा हो गया कि अगर अंग्रेजों के जाने से पहले कांग्रेस लीडर अपनी जबान से फिर सकते हैं तो बाद में क़लियतों का क्या हाल करेंगे। इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन से कतई ताल्लुक़ करके पाकिस्तान हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। आखिर हिंदू ये बात कैसे बर्दाश्त करते, और यूं हिंदुस्तान की तारीख के बदतरीन फसादात का सिलसिला शुरू हुआ।